एज अ डिजिटल मार्केटर हम कितने सारे कैंपेन्स में फेल होते हैं, कितने सारे हम एड्स रन करते हैं उनमें फेल होते हैं, हमारे कितने सारे कैंपेन्स जो है आउट परफॉर्म भी करते हैं, कितने सारे बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं करते, कितने सारे तो पैसे खा जाते, कितने सारा तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ट्रैफिक और लीड्स सेल्स जो भी हो वो हमें ला के देते हैं। लेकिन बात इसमें ऐसी है कि जैसे कि आप SEO करवा रहे हो तो SEO में आपको पहले मंथ से रिजल्ट नहीं मिलने वाले, SEO में आपको 2-3 महीने लगातार करना होता है। उसी तरह अगर आप ऐसा भी नहीं कह सकते भी हम एड्स चलवा रहे हैं, फेसबुक पे एड चला रहा है, गूगल पे एड चला रहे हैं तो हमको पहले दिन से रिजल्ट ला के दे, क्योंकि फेसबुक और गूगल खुद कहता है कि स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो उस जो कैंपेन आप बनाओगे सिर्फ लर्निंग फेज में ही निकल जाता है, यानी कि उसका एल्गोरिदम सीख रहा होता है कि क्या आपकी एड कैसे लोगों को दिखानी चाहिए, किसको दिखानी चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन हो, ज्यादा से ज्यादा आपका फायदा हो। तो नो मैटर आप SEO करवा रहे हैं, एड्स चलवा रहे हैं, पेड प्रमोशंस करवा रहे हैं, आपको यहाँ पर मिनिमम 1-2 वीक आपको देखना ही होगा कि आपका कैंपेन जो है सफल जा रहा है या नहीं। हमारे खुद के कैंपेन कई बार जो है खराब गए, उससे हमने 1 वीक क्या वीक मैंने लगभग 10-15 दिन तक चला के देखे, 2-3 दिन कैंपेन खराब गए। उसके बाद अगला कैंपेन जो हमने सब बनाया, जो पुरानी हमने जो उसमें मिस्टेक्स की थी उसको यहाँ पर जो उसके जो सुधार कर सकते थे अप्लाई किया, जो टारगेटिंग में हमने गड़बड़ी की थी वो सब सुधारे, उसके बाद जितना स्पेंड किया था उसे डबल ट्रिपल करके हमको वापस आता है। तो ये होती है पावर, आपको यहाँ पर छोड़ नहीं देना कि 4 दिन चला कैंपेन बंद कर दिया, आपको यहाँ पर कैंपेन को सुधार लगातार उसमें मिनिमम 4-5 दिन चलने देना है, उसको अच्छे से फिर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करना है, उसके बाद आपकी इस कॉस्ट पर लीड कॉस्ट पर सेल्स जो भी है कॉस्ट पर कन्वर्जन इन शॉर्ट वो आपका कमाने लगा और इसी तरह आपका जो कैंपेन है वो परफॉर्म करेगा सही से।